हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया, बंगाल पॉलिटिक्स, ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसे लग रहा है ममता बनर्जी जो है वो इस्तीफा देने वाली है। ये न्यूज़ उड़ रही है, मैंने उसको पकड़ के देखा और मुझे पता चला तो कुछ ऐसा हुआ है। और ऐसा भी लग सुनने में आ रहा है कि ममता की जो है कोई बातचीत हुई है मोदी जी से, और उसके बाद ये खबर फैल रही है कि ममता जो है हो सकता है इस्तीफा दे दे। और वो ऐसी लेडी है, मेरे हिसाब से, मेरी जो जजमेंट है कि वो आसानी से इस्तीफा नहीं देगी। उसके लिए पावर बहुत इम्पोर्टेंट है भैया, कि मैं मेन जो है पावर में रहूं। तो अगर वो इस्तीफा दे रही है तो इसका मतलब ऐसी कोई बात हुई है या वो ऐसा फंसी है कि उसके पास अब कोई चारा नहीं है कि या तो वो इस्तीफा दे या उसकी पोल खुलेगी। ऐसा कुछ मिला हो सकता है मोदी जी को, जिससे पता चल रहा हो कि ममता ने कुछ गड़बड़ की है और उस वजह से अब उसको, उसके ऊपर प्रेशर है। और उसको पता है कि अगर मैंने नहीं इस्तीफा दिया, मोदी जी के हिसाब से नहीं किया, तो मेरा पोल खुल जाएगा और मैं बुरी फंसूंगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आप ममता बनर्जी को ही देख लीजिए, बंगाल में जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर है। कोलकाता केस को लेकर वो लगातार ममता बनर्जी पर दबाव बनाए हुए हैं। तो ममता बनर्जी ने भी नया पैंतरा कर दिया, चल दिया। अच्छा, हड़ताल खत्म करवाने के लिए आज सीएम ममता ने डॉक्टर्स को मीटिंग के लिए बुलाया, लेकिन एक घंटे से ज्यादा वक्त तक ममता बनर्जी मीटिंग पॉइंट पर अफसरों के साथ इंतजार करती रही। डॉक्टर मीटिंग के लिए नहीं। वेरी गुड। मीटिंग 5 बजे होनी थी, डॉक्टर सचिवालय पर 25 मिनट लेट पहुंचे, लेकिन फिर भी मीटिंग नहीं हो पाई क्योंकि डॉक्टर्स इस बात पर अड़े थे कि मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। ओह वेरी गुड। सरकार का यह तर्क था कि मामला अभी कोर्ट में है, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते। अच्छा, मीटिंग रिकॉर्डिंग कर देंगे और डॉक्टर्स को वीडियो दे देंगे। इस बात पर पेच फंस गया, दोनों पक्ष झुके नहीं। Good. अंदर सीएम इंतजार करती रही और बाहर डॉक्टर्स भी अड़े थे। वाह। जब मीटिंग नहीं हुई तो ममता बनर्जी ने अपनी नाराजगी जाहिर की, ये वीडियो सार्वजनिक कर दिया कि देखो मैं तो बैठी हूँ, यही लोग नहीं आए, खाली कुर्सियां दिखा दी, नहीं आएंगे। इस्तीफे तक की पेशकश करके सनसनी मचा दी। करो, ममता बनर्जी ने कह दिया कि वो बंगाल के लोगों के लिए इस्तीफा देने को तैयार है। लालच नहीं है, बंगाल के लोगों से माफी मांगती है जो हड़ताल खत्म होने की उम्मीद कर रहे थे। ममता बनर्जी ने कहा कि पिछले 3 दिन से उनकी बेस्ट कोशिशों के बावजूद डॉक्टरों से बात नहीं हो पाई। डॉक्टर ही सीधा करेंगे। सुनिए एक बार ममता बनर्जी ने क्या कहा, फिर आपको बताऊंगा कि ममता के इस्तीफे पर डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं। डॉक्टर्स का बड़ा, আমাকে নিজে পদত্যাগ করতে রাজি আছি, আমার মুখ্যমন্ত্রী পদ চাই না, কিন্তু আমি চাই মানুষ বিচার পাক, তিরস্কার বিচার পাক, আর সাধারণ মানুষ চিকিৎসা পাক। আমি পাতা তেরা। उधर प्रदर्शन करने वाले डॉक्टर्स का कहना है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। ठीक है, होनी चाहिए। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उन्होंने कभी ममता बनर्जी का इस्तीफा नहीं मांगा। जूनियर डॉक्टर्स तो कोलकाता के पुलिस कमिश्नर का इस्तीफा मांग रहे हैं। ममता बनर्जी अपना इस्तीफा देने को तैयार हैं, कमिश्नर का इस्तीफा क्यों नहीं लेती है? हेल्थ वर्कर्स के लिए ज्यादा सुरक्षा मांग रहे हैं डॉक्टर्स, हेल्थ विभाग के बड़े अफसरों पर एक्शन की मांग कर रहे हैं। ठीक है, कुल मिलाकर डॉक्टर्स की हड़ताल से ममता बनर्जी जिस प्रेशर में है, उस प्रेशर को हटाने के लिए एक नया राजनीतिक खेल खेल दिया। मैं तो तैयार हूँ, देखो यही लोग जो है बात तो करना कर, भाई मैं तो इस्तीफा दे दूंगी जल्दी से, इसलिए भी तैयार हूँ, तो दे दीजिए इस्तीफा, डॉक्टर सीधा करेंगे। लेकिन क्या ममता बनर्जी की स्ट्रेटेजी काम आएगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि डॉक्टर तभी मानेंगे जब उन्हें कोलकाता केस में एक्शन होता दिखेगा। बिल्कुल। और ये दिखेगा कि वाकई ममता सरकार इस मामले को लेकर सीरियस है। नहीं है सीरियस। बॉस, दुनिया के पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन भारत जैसा अतरंगी विपक्ष नहीं हो सकता। अब क्या हो गया, ऐसा विपक्ष शायद ही कहीं हो जो इकोसिस्टम के भोपू की मदद से शोर मचा मचा कर मुद्दा बनाने का भरपूर प्रयास करता है। अब क्या कर रहा है? और जब झूठ और भ्रम फैलाता रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो कपड़े झाड़ता और आगे बढ़ जाता है। नहीं, हमने क्या, अब अगला देखेंगे, क्योंकि लोग नहीं है ना इतने समझदार। मजा भी है बॉस यहाँ के विपक्ष का। हमारे यहाँ का विपक्षी है जो जब मन करता है ईवीएम हैक बता देता है, जब मन करता है खुद की चुनावी जीत पर जश्न मनाने लगता है कि अरे हमने तो मोदी का गवर्नमेंट तोड़ दिया, हम 99 पर आ गए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। जब मन करता है विदेश तक में जाकर बोलाता है कि भारत में तो जुडिशरी और लोकतंत्र बचा नहीं है। जब इनके मन मुताबिक फैसला आ जाए तो कहता है कि जुडिशरी जिंदा है, गजब हो गया, देखिए देखिए मोदी सरकार से सवाल होने चाहिए। मतलब अलग लेवल की पॉलिटिक्स है इन लोगों। और अब विपक्ष का नया ड्रामा चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गणेश उत्सव की आरती पर। अच्छा, उन्होंने देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के घर पर कर दी। इस देश में आप इफ्तार पार्टियां करिए, बड़े बड़े लोगों को बुलाइए, कोई कुछ नहीं कहेगा, उल्टे आपकी तारीफ करेगा कि वाह क्या गजब का सेकुलरिज्म है।
लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने घर में गणपति उत्सव में प्रधानमंत्री को बुला लेते हैं और प्रधानमंत्री वहां गणेश आरती करने चले जाते हैं, अरे बॉस ऐसा हंगामा मचा दिए ये लोग कि जैसे आसमान पड़ अब दुनिया नहीं बचेगी, नहीं बचेगी, तुम नहीं बचोगे, इतनी दुनिया तो बचेगी, सीमा नहीं। कल रात से इंडी गठबंधन के इकोसिस्टम में आ गए, ये क्या हो गया? चीफ जस्टिस नरेंद्र मोदी चीफ जस्टिस के घर जा रहे हैं और वहां गणेश आरती कर रहे हैं। वेरी नाइस। उसके बाद जिस तरह की हाय तौबा मची है उससे तो लग रहा है कि वीडियो देखते ही कई लोग मूर्छित हो गए हों, हार्ट फेल हो गया उनका, डर लग रहा है कि कुछ को हार्ट अटैक ना आ गया। लेकर आज पूरा दिन इस इकोसिस्टम का बीपी बढ़ा रहा, कोई कह रहा है कि राहुल गांधी तो कांप रही होंगी उसकी टांगे, कोई कह रहा है कि चीफ जस्टिस ने बुलाया क्यों पीएम को भाई, अच्छा तुम्हें बुलाया, मतलब इशारों इशारों में कोई खुल के कह रहा है, कोई इशारों इशारों में कह रहा है कि अरे बॉस ये तो जुडिशरी और सरकार के बीच सेटिंग एटिंग हो गई, लेकिन तुम लोगों का करें खत्म काम, कि कोई किसी से सेटिंग करेगा तो इसे कूलने में करेगा बॉस, वीडियो दिखाएगा। खैर आज इस चैप्टर में हम आपको विस्तार से एक एक चीज बताएंगे, ये भी बताएंगे कि कांग्रेस के जमाने में कैसे नेता जज बनते थे और जज नेता बन जाते थे। ऐसा लगता था जज ना हुए क्रिकेट प्लेयर हो गए जो कभी आईपीएल खेल रहे हैं, कभी नेशनल टीम में टेस्ट खेलने की दुआई देकर छाती पीट रहे, उन्हें ऐसी ऐसी बातें याद दिलाऊंगा कि मुंह झुकाकर छुपने की जगह ढूंढे होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले ये देख लीजिए कि ऑपोजिशन पीएम मोदी की इस गणेश आरती पर कह क्या क्या रहा है। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इस तरह से व्यक्तिगत तौर पर मिलना गठबंधन हो गया, न्यायपालिका की आजादी के लिए ठीक नहीं, अच्छा सीजेआई और पीएम के बीच एकदम व्यक्तिगत और एकांत मुलाकात की परंपरा नहीं रही है। ये कहां एकांत है बॉस, पीएम ये आसपास लोग खड़े हुए इनको दिख नहीं रहे, ये अदृश्य लोग है क्या, पूजा करने गए हैं। मुलाकात से लोगों के मन में शक पैदा होता है, लोगों के मन में शक पैदा नहीं होता है, आप पैदा करना चाह रहे हैं, तुम्हारे चमचे के अंदर पैदा होगी, अकलमंदों के अंदर तो नहीं होगी, वो तो खुश होंगे देखते हैं। सीजीआई के आचरण पर ही सवाल उठा दिए। देखिए, इंडिपेंडेंस ऑफ एवरी इंस्टीट्यूशन थ्योरेटिकल चीज नहीं है, ये दिखना भी चाहिए। गणपति पूजा में ये बहुत ही व्यक्तिगत है, आप कैमरा लेके जा रहे हैं, मैसेज असहज करता है, मेरा सिर्फ इतना कहना है। बाकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत बड़े आदमी है, तो प्रधानमंत्री जी भी छोटे नहीं है, बहुत बड़े आदमी है। अब उन लोगों कुछ नहीं है भाई, संवैधानिक व्याख्या के बावजूद ये तस्वीर पब्लिक डोमेन में रिलीज की तो मैं क्या ही कहूँ। भाई तू कुछ कर मत, ये जो अपने सर के ऊपर डिजाइन बनाया हुआ ना आगे से सफेद पीछे से काले, वो अब मत कर तू, मैं तो उसको ये बोलूंगी ये मत कर तू। और बाकी दुनिया अपने देश की परवाह जो तू दुख दुख कर रहा है ना, बड़ी तुझे परेशानियां हो रही हैं और तू उस पर बड़ा वरीड है, तू छोड़ दे, मोदी जी सब संभाल लेंगे। यू आर सो दिस इज रियली टू मच कि ये जो ऑपोजिशन है इतना घटिया ऑपोजिशन है, इतना घटिया ऑपोजिशन है कि इसको ऑपोजिशन बनने लायक नहीं है, इसको ऑपोजिशन बनाना ही नहीं चाहिए। हर छोटी बात पे ये फालतू की जो बातें करके लेके आता है ना, मैं तो कह रही हूँ बहुत अच्छा है कि चीफ जस्टिस के घर गए, वहाँ पे पूजा की है, सब किया है, वेरी गुड। हर साल मतलब क्या है कि अगर कोई भी जुडिशरी हो उसके किसी भी पर्सनल रिलेशनशिप ना हो, किसी से बातचीत ना हो, किसी से बात ही नहीं करो तुम, है क्योंकि हम तो जुडिशरी, हम तो किसी से बात नहीं कर सकते, हम किसी से हाई नहीं बोल सकते, किसी से गले नहीं मिल सकते, किसी से कोई भी आराम से बुला नहीं सकते फंक्शन में, हम तो जुडिशरी है, ऐसा थोड़ा ना होता है, वो ह्यूमन बींग है भाई, वो हर एक इंसान को जानता है। उनकी जान इसलिए निकल रही है कि उन्हें पता है कि हमने इतने गंदे काम किए हैं, हम वैसे ही कोर्ट के अंदर हमारे केसेस चल रहे हैं कि हमने फंसना ही फंसना है। अगर ये मोदी जी मिल रहे हैं कुछ है तो इनकी जान निकल रही है कि भैया हम फंस जाने वाले हैं। चीफ जस्टिस जो है वो जो भी डिसीजन लेगा वो मॉरली करेक्ट लेगा, उसको फर्क नहीं पड़ता किसे जानता है किसे नहीं जानता, हद ही हो गई यार, तभी वो चीफ जस्टिस है। तुम्हारे अंदर खोट है, इसका मतलब ये नहीं है कि सबके अंदर खोट है, इनको ये बात समझना आ जानी चाहिए। और ममता जो है इसको कहो भाई दे इस्तीफा, दे ना, वेट तो हम कर ही रहे हैं, और डॉक्टरों ने जो कमाल किया है ये अब सीधा करेंगे इसको, मैं कह रही हूँ पीछे मत हटे। यहाँ पर भी न्यूज आ रही है कि अभी तक जो है स्टॉप नहीं हो रहा, नहीं करना चाहिए, जब तक जो मान रहे रिजल्ट नहीं आता वो लोग रुकेंगे नहीं, नहीं करना चाहिए। आप टू मच नॉर्मली अनपढ़ जनता को उल्लू बना सकते हो, मगर डॉक्टर्स को उल्लू कैसे बनाओगे, पढ़े लिखों को कैसे बनाओगे। तो चलो अभिषेक अगर ना अपने थॉट्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो
ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।